हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। आज सोमवार का दिन है, अब सब लोग अपने अपने काम पे वापस फिर चले जा रहे हैं। कुछ तो मॉर्निंग में चले भी गए होंगे। अभी तो टाइम हुआ है 11:15 बज रहा है यहाँ पर मॉर्निंग का। तो आज का दिन मैं जा रही हूँ, आज के दिन एक्चुअल में मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ और तो हमारी हर मंथ में मंडे, फर्स्ट मंडे मीटिंग होती है। तो पहले ये मीटिंग होती थी ऑन एवरी फर्स्ट वेडनेसडे। अभी ये बीच में जो ईस्टर का मंथ था तो उसमें सभी लोग बिजी थे, तो देन वी डिसाइडेड कि देन वी विल डू इट आई मीन टुडे ऑन 10th अप्रैल। तो आज हम लोग जा रहे हैं मीटिंग करने और मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ। मैं आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा व्यू भी दिखाऊंगी और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को नाम भी बता सकती हूँ। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला हुआ है कि मैं नवी मुंबई में रहती हूँ, तो नवी मुंबई में ही वो ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअल में उनके बहुत सारे सेंटर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया हैं। तो बिकॉज़ आई एम रिसाइडिंग इन नवी मुंबई, सो जो इनका नवी मुंबई का ऑफिस है और जो मुंबई का ऑफिस है वहाँ पर मैं जाती हूँ। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू यू नो गिव आई एम ऑलवेज ट्राई टू एक्चुअली इनके जो सेंटर्स हैं ये ऑल ओवर इंडिया में हैं, नवी मुंबई में हैं। मैं और ये मेरे घर के आसपास का एरिया है और अभी मैं जा रही हूँ। मैं देखती हूँ, मुझे अगर ऑटो मिल गया तो मैं ऑटो से जाऊँगी, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट बस भी जाती है। और नवी मुंबई में क्या ऑल ओवर मुंबई में ही बस की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, सारी कनेक्टिविटी अच्छी है। और आप लोग को तो मालूम ही होगा कि यहाँ लोकल ट्रेन है जो कि जिसको कि हम लोग क्या सभी लोग मुंबई की लाइफ लाइन जिसको बोलते हैं। और जिस दिन लोकल ट्रेन नहीं होती है उस दिन आप लोग वो क्या मैं बताऊँ, मतलब जो लोग नवी मुंबई टू मुंबई ट्रेवल करते हैं डेली, लोग यहाँ अप डाउन करते हैं। और मुंबई में रहने वालों का मोस्ट ऑफ द जो टाइम है वो स्पेशली जो नवी मुंबई से मुंबई जा रहे हैं या दूर दराज के इलाकों से जो लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत टाइम ट्रैवलिंग में वेस्ट होता है। बट क्या करें, जिसकी जो जॉब है, जिसका जो काम है वो तो सब करते ही हैं और हमको अपना जीवन यापन जिसको कहते हैं ना, जीने के लिए कुछ करना ज़रूरी है तो वो करना ही है। और अपने काम को हमेशा इंजॉय करना चाहिए, जो भी काम आपको दिया है गया है, जो भी काम आप करते हैं, तो ये चीज़ है। और हाँ, मैं जो बात कर रही थी आप लोगों से कि मैं जिस एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ तो उसमें हम लोग ने पहले एक्चुअल में हम लोग हर वेडनेसडे, एवरी फर्स्ट वेडनेसडे यानी हर मंथ के फर्स्ट वेडनेसडे को हम लोग मीटिंग करते थे। और हम लोग सब लोग मीटिंग क्या करते हैं, हम लोग सब लोग जो भी मेंबर्स हैं हमारे एनजीओ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सब मिलते हैं और मिल करके बैठ के हम लोग अपना लाइन ऑफ जो कहते हैं ना वर्क या एक्शन है कि अब हमको आगे इस एनजीओ को बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए हम लोग डिसाइड करते हैं। लाइक एवरी मंथ हमारा एक हम लोगों के उनको लग रहा होगा बब्बा ये क्या बोल रही है, इतनी तेज़ धूप है वहाँ पर, इतनी गर्मी है, बट हाँ मुंबई ऐसा ही है। और एक चीज़ मुंबई की खासियत है कि मुंबई में जो एक बार आ जाता है वो मुंबई से जाना नहीं चाहता है। वेदर बहुत अच्छा है, अभी तेज़ धूप है और यू नेवर नो शाम को बहुत तेज़ हवाएं चलने लगेंगी और सब लोग फिर बाहर निकल आते हैं वॉक करने के लिए, जैसा कि मैंने अपने एक प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को दिखाया अभी था शाम के टाइम पे कि सब लोग शाम को वापस निकल आते हैं वॉक करने के लिए। तो ये है हमारी मुंबई, मुंबई मेरी जान जिसको जो लोग बोलते हैं। और
ठीक है मैं चलती हूँ, अभी बस स्टैंड तक जा रही हूँ मैं। बस स्टैंड पे अगर मुझे बस टाइमली मिल जाती है तो इट्स ओके, मैं बहुत वेट नहीं करूँगी क्योंकि हमारा मीटिंग टाइम है 11:45। सबको बोला जाता है कि आप 11:30 से 11:45 आप आ जाइए। तो हम लोग जो लोग बहुत लोग दूर दूर से मुंबई से भी आते हैं, जो हमारे इसके मेंबर्स हैं, एनजीओ में जुड़े हुए लोग हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी, इसमें मोस्टली जो जुड़े हुए लोग हैं वो लेडीज़ हैं, वुमेंस हैं। उसका एक रीज़न है, ये जो एनजीओ है इस एनजीओ में हम लोग जो क्या काम करते हैं, आप लोग को अगर जानना चाहते हैं तो मैं ये भी बताती हूँ। इस एनजीओ में बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो बहुत सा काम खुद भी करा जा सकता है, आप अपने आप को भी वुमेन से एम्पावर कर सकती हैं, बट नहीं, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम लोग जो क्या आपको मैं बोलूँ एग्जैक्ट वर्ड अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट हाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गरीब तो नहीं बोलना चाहिए, जो थोड़े फाइनेंशियली जो इकोनॉमिक जो वीकर सोसाइटी है उसकी जो लेडीज़ हैं, जैसे समझो अगर वो घर से सताई हुई हैं या उनका हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया है या हस्बैंड ने मारपीट करके निकाल दिया, बच्चे हैं उनके, तो ये ऐसी भी बहुत सी लेडीज़ हैं। और कुछ अगर उनके साथ अगर ट्रेजडी हो गई है, कुछ हो गई है, जो भी है, तो हम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम लोगों को ऐसे सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट ऐसे करते हैं कि हम उन्हें खुद एम्पावर करते हैं, लाइक आप खुद अपने पैरों पे, हम नहीं करते, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हमारा ये प्लान है और हम लोगों ने बहुत सी लेडीज़ को किया है, इवन आप बिलीव नहीं करेंगे बहुत सी महिलाएँ हैं जिनको हम लोगों ने अपने पैरों पर खड़ा किया है और आज वो खुद अपने दम पर अच्छा कमा रही हैं और अपने परिवार को चला रही हैं। तो बाकी बातें करते हैं आपसे बाद में, अब मैं जा रही हूँ, धूप बहुत तेज़ है, बस का वेट करूँगी, जैसा बताया बस मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऑटो पकड़ के पहुँचती हूँ, फिर आपको वहाँ मिलती हूँ अपनी एनजीओ में। ओके, मिलती हूँ फिर आप लोगों से। दोस्तों मैं उतर गई हूँ बस से, बस चली गई आगे, अभी मैं दिखाती हूँ बस, बहुत अच्छी बस है, एसी बस है, एसी बस की सर्विस है यहाँ पे। और हॉर्न बजाना तो सबसे ज़्यादा जो हॉर्न बजाने का जो कंसेप्ट है, मुझे लगता है कि हमारे ही देश में बहुत ज़्यादा है, लोगों में पेशेंस की कमी है, एक मिनट भी कोई वेट नहीं करना चाहता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरी तो अपने व्लॉग्स के ज़रिए उन सभी लोगों से ये गुजारिश है जो इसको देख रहे हैं, तो प्लीज़ ऑन तभी बजाइए जब रिक्वायर्ड हो, अननेसेसरी क्यों आप लोग नॉइस पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, मेरा तो यही कहना है। तो अभी थोड़ा सा मुझे एक्चुअली मार्केट में काम है, वो मैं बाद में करूँगी, मैं पहले जा रही हूँ, अभी मेरी मीटिंग का टाइम होने वाला है, इस ओनली 5:34 लेफ्ट और मैं पहुँचने ही वाली हूँ, फिर पहुँचती हूँ वहाँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस अभी हमारी मीटिंग हो गई है ओवर और मैं जा रही हूँ अब घर वापस। और आज की मीटिंग में बहुत सारे एजेंडे थे जो हमने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे इस मंथ में, क्या डिसाइड करेंगे। मैं आपको ये व्यू दिखा रही हूँ अंदर से इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस एनजीओ का, जहाँ पे मैं काम कर, जहाँ पे मैं क्या, मैं एसोसिएटेड हूँ जिससे। और धूप बहुत हो गई है, आज मैं सनग्लासेस लाना भूल गई, बहुत जल्दी जल्दी मैं निकल करके आ गई थी, समर स्टार्टेड। सो चलिए
और ये बाहर सारी यूलू साइकिल्स हैं, यूलू मोटर बाइक ढेर सारी लगी हुई हैं। आज कल लोग इनको बहुत यूज़ कर रहे हैं मुंबई में, और बहुत अच्छी होती हैं। मैंने भी इसको चलाई है जहाँ मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ, अपने जहाँ मैं रहती हूँ उस एरिया में ये सारी यूलू बाइक्स लोग यूज़ करते हैं, बहुत यूज़फुल भी है ये। तो जो हमारे मीटिंग में जो भी हमने एजेंडा था हमने डिसाइड किया, बहुत कुछ डिसाइड किया, वो मैंने एम्पावरमेंट के लिए कि इस मंथ हम क्या करने वाले हैं। मई में शायद ज़्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि मई में स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, मोस्टली पेरेंट्स बाहर जाते हैं, और मई एक तरह से हम लोगों के लिए छुट्टी का हो जाता है। हम लोग बहुत छुट्टी तो नहीं करते हैं क्योंकि ये सोशल वर्क है, मई में ज़्यादा काम नहीं करेंगे। और इस मंथ का हम लोगों ने डिसाइड किया है, इस मंथ हम क्या करने वाले हैं तो वो मैं बताती हूँ वन बाय वन। इस मंथ सबसे पहला तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है मीटिंग में कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी पे बात करेंगे, और साइबर सिक्योरिटी बेसिकली लाइक वुमेंस के लिए कैसे इसको, इससे वुमेंस को कैसे सतर्क रहना है, बेवेयर रहना है, और उसके बारे में बात करेंगे। और उस टॉपिक पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि उस साइबर सिक्योरिटी के बारे में व्हाट एग्जैक्टली है क्या साइबर सिक्योरिटी, और उस पर थोड़ा सा मैं ब्रीफ दूंगी। और उन्होंने मुझे ही बोला है, मुझे साइन किया है कि आप बोलिए इस पर, तो मैं उस पर बोलने वाली हूँ। और मैं कोशिश करूँगी अगर वो मुझे परमिशन दे देते हैं तो मैं साइबर सिक्योरिटी वाला जो मेरा सेशन होगा जो मैं दूँगी वुमेंस को, जो मेरा लेक्चर होगा, जो मेरा सेशन होगा, तो उसका भी मैं एक छोटा सा वीडियो और उसकी क्लिप आप लोगों को के लिए डालूंगी ताकि आप लोग भी उसको देखिएगा और मुझे कमेंट करके उसमें बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये सेशन। तो वो सेशन अभी डेट डिसाइड होगी, और डेट डिसाइड होने के बाद फिर मैं जो हमारा सोशल इस एनजीओ का जो ग्रुप है उसमें मैं, उन्होंने बोला है कि आप इन्फॉर्म कीजिएगा कब आप बोलना चाहती हैं। प्रोबेबली हम लोग एंड ऑफ दिस मंथ ये सेशन रखेंगे लेट इन द इवनिंग, क्योंकि जो वर्किंग वुमेंस हैं और वो सारा उन सब लोग भी आएंगी, वो दे आर गोइंग टू अटेंड माई सेशन। तो तब तक के लिए फिर तो उस सेशन पे का भी मैं आप लोगों को मैंने बोला कि मैं कुछ क्लिप्स आपको इसमें पूरा तो नहीं डाल सकती हूँ, और अगर वो मुझे परमिशन देंगे तो मैं पूरा भी डाल दूँगी, बट हाँ कुछ क्लिप्स मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उस पर मैंने जो भी बोला है वो सही है, या उसमें आप लोग क्या ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग भी ऐड करिएगा ज़रूर। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं पहुंचूंगी घर, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा के देती हूँ, ये बस स्टॉप पे मैं पहुंच गई हूँ। अगेन मैं बस देखती हूँ मुझे वापस मिलती है जाने के लिए, नहीं धूप से तो बुरा हाल है। ये देख लीजिए यहाँ का नज़ारा, यहाँ के बस स्टैंड, ये यहाँ पर बेस्ट की बसेज हैं, और मुंबई में बेस्ट के नाम से चलती है बस। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ वापस, और आने में मेरा हो गया बुरा हाल, मुझे थोड़ा काम था बैंक का कुछ अपना, वो मैंने छोटा सा काम था वो किया, करने के बाद बैंक के अंदर तो लग रहा था उसके अंदर ही बैठे रहो, एसी चल रहा था, खूब ठंडा ठंडा लग रहा था, और बाहर निकल करके तो पूरी जैसे इतनी गर्मी है यहाँ पर मुंबई में कि ऐसा लग रहा है जैसे पापड़ रख दो तो सर पे भुंज जाएगा, बहुत बुरा हाल है। और ये है हमारे सोसाइटी का गार्डन, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा गार्डन है, मैं देखिए, और मैं आ गई हूँ वापस। ये यहाँ पे किड्स प्ले जोन भी है, गार्डन है अच्छा सुंदर सा, और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाती हूँ,
मैंने अपने ब्लॉग में भी पहले एक वो डाला हुआ था, क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स में भी मैंने डाला हुआ था। ये हमारे सोसाइटी में देखिए आप लोग, कटहल देखिए कितने सुंदर सुंदर से लगे हुए हैं। और आप लोग को इनको देख के ये मत सोचिएगा कि आप लोग को मैं भेजने वाली हूँ, बस दिखा रही हूँ। ऊपर भी लगे हुए हैं, ऊपर के भी देखिए, पता नहीं आप लोग को दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो ये है हमारी सोसाइटी और यहाँ ग्रीनरी का मुंबई में हर जगह बहुत ख्याल रखा जाता है। ये प्लांट देखिए, ये प्लांट मेरे पास भी है, मेरी बालकनी में भी लगा हुआ है, मैं अपने ब्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी। ये वाला प्लांट, क्या नाम है इस प्लांट का मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये केले का पेड़ है, इसके अब मैं पूजा करती हूँ केले के पेड़ की। बहुत अच्छे अच्छे केले के पेड़ लगे हुए हैं हमारी सोसाइटी में, और भी हैं, बड़े पेड़ भी हैं केले के, वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, बहुत बुरा हाल हो गया है मेरा गर्मी में। ये देखिए ये सारे पेड़, ग्रीनरी, पपीता सब लगा हुआ है। चलिए चलते हैं घर में, चलिए अभी चलती हूँ घर में। घर पहुँच के मैं पीती हूँ ठंडा ठंडा पानी, मेरा बुरा हाल हो रहा है। अभी तो अंदर घुस करके लग रहा है कि हाँ कुछ तो ठंडी हवा मुझे लग रही है चारों तरफ से। चलिए गाइस मिलते हैं। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर में वापस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाहर है बुरा हाल, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है मुंबई में और ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही है बाहर। तो घर के अंदर पहुँच के तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सुकून मिल गया है पहुँच करके घर के अंदर। तो सबसे पहले तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं करती, हाथ धोया मैंने, और धोने के बाद मैंने पानी, सबसे पहले मैं पानी, मैंने कहा मैं पानी पीती हूँ। ऐसा लग रहा है बहुत राहत मिली मुझे पानी पी के। तो जैसा मैं कि मैं व्लॉग्स में अपने इस व्लॉग में आपको बता रही थी इनिशियली कि ये एक NGO है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ, और इसके लिए कि हम लोग कुछ लोग हैं जो इससे इस NGO में जुड़े हुए हैं और एक्टिवली हम इस पे काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। और लोगों की क्या, मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये जो NGO है ये वुमेन्स के लिए है। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस NGO में काम करते हैं। इस NGO में गाइस बहुत सारे प्रोग्राम हैं और इस NGO की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मुंबई में तो बहुत हैं, मेन मुंबई में भी हैं और बोरीवली में, बहुत सारी जगहों पे हैं। आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को डिटेल दूंगी इसमें कि इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं। और जो भी लोग अगर किसी भी महिला को, कोई घर में सताई हुई महिला है या किसी वजह से वो परेशान है, उसको कुछ फाइनेंशियल ज़रूरत है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ताकि वो काम करे, काम करके खुद अपने घर परिवार को चला सके। अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, उसके हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं कमा रहा, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है उसको फाइनेंशियल, तो वो छोटे छोटे काम करके जितना पैसा कमाएगी उसके लिए हम ऐसे प्रोग्राम्स हैं हमारे इस NGOs में कि हम उसमें ये कोशिश करते हैं कि कुछ ये एक ऐसी प्रोफेशनली एक तरह से क्वालिफाइड हो जाए, जिसको कि कहते हैं, और करने के बाद ये अपना पूरी लाइफ अपनी उसके अंदर एक स्किल हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि महिला के अंदर कोई एक ऐसी स्किल आ जाए जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, वो अपना खुद का काम चालू कर सकती है, चाहे तो किसी के ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर वो काम होता है वो करे, वहाँ पर जा कर के काम करे, वहाँ से वो अच्छा एक अमाउंट कमा सकती है, ताकि उसकी जो लाइफ है वो एक स्मूथली चले। बहुत ज़्यादा तो नहीं हम कमिट करते, या कमिटमेंट तो किसी चीज़ का होता ही नहीं है लाइफ में, आपकी खुद की भी मेहनत होती है।
तो आप लोग अगर ये जानना चाहते हैं इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को देती हूँ कि इसमें जो प्रोग्राम्स हैं, एक तो हम लोगों ने मेहंदी का प्रोग्राम, हम लोगों ने क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में एनजीओ में मेहंदी का प्रोग्राम है, मेहंदी आर्ट का, जिससे हम लड़कियों को, वुमेंस को ये, और बहुत ही फीस की बहुत नॉमिनल रखी गई, बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस भी नहीं है, कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मेहंदी की इतनी इतनी हाई फाई फीस होती है कि लोग सोचते ही रह जाते हैं, आई मीन जो लोग हमारे सोसाइटी के हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते उस फीस को, तो वो सोचते ही रह जाते हैं, बट यहाँ पे फीस भी बहुत नॉमिनल हमने रखी है। यहाँ पे टेलरिंग का प्रोग्राम है, जो सिलाई का प्रोग्राम होता है कि सिलाई में कपड़े सिलना हम लोग सिखाते हैं इसमें, तो वो महिला आती है और बहुत ही छोटी सी फीस लेते हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है इसकी दोस्तों, तो वो उस पर सिलाई सीख करके अपना खुद का घर पे सिलाई का काम चालू कर सकती है, वो चाहे तो अपना खुद का बिजनेस डाल सकती है, और चाहे तो वो किसी बुटीक में जा करके काम कर सकती है, किसी के साथ जो बुटीक चलाते हैं उसके साथ वो मिल करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, बुटीक स्टार्ट कर सकती है। तो बहुत विज़न इसका बहुत अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का, एंड वी आर ट्राइंग कि जो भी लोग जो इस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, जो इन प्रोग्राम्स में जुड़ रहे हैं, जो भी महिलाएँ आ रही हैं, वो हमारे यहाँ से कुछ सीख करके ही जाएँ। और अभी हम लोगों ने थोड़ा सा हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन का प्रोग्राम भी चालू करने के लिए, और इंग्लिश स्पीकिंग का, ताकि कुछ तो लेडीज़, आप लोगों ने देखा होगा ऐसी होती कि जो अपना नाम भी नहीं लिख पाती हैं, उनको इंग्लिश में नाम लिखना सिखाना, बैंक में जा करके कैसे पैसे जमा करना है, क्या करना, तो ये सब थोड़ा सा जैसे कि उनको एक नॉलेज देने के लिए ये प्रोग्राम भी हम लोग चालू करने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर दूसरा एक प्रोग्राम है ब्यूटिशियन का, जो ब्यूटिशियन के बहुत सारे कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्स है, लाइक 2-3 मंथ्स का कोर्स है, फीस बहुत कम है, आप बेसिक कोर्स कर लीजिए, बेसिक कोर्स करके आप खुद भी काम कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर पे ही छोटा सा एक पार्लर खोल सकते हैं, या जहाँ पर भी आप चाहते हैं, जो भी आप ने सोच रखा है, जैसा भी आप कर सकते हैं, आप किसी पार्लर में जाके काम कर सकते हैं। और अभी एक नया प्रोग्राम वैसे भी हम लोग ने पास में भी किया हुआ है यहाँ पर, अभी फिर से चालू हो रहा है, क्योंकि अभी ये वैकेशन से स्टार्ट हो रही हैं, तो जिन महिलाओं के बच्चे छोटे हैं तो अभी छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो 2-3 मंथ्स का एक प्रोग्राम चालू हो रहा है यहाँ पे, वो एडवांस कोर्स है जो हम करेंगे, ब्यूटिशियन का स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें सब कुछ सिखाते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, और फिर देखिए जो सीखना चाहता है तो उसके लिए तो फिर कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। और नेल आर्ट का भी प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, नेल आर्ट सिखाने के लिए शॉर्ट कोर्स है, नेल आर्ट का बेकरी का कोर्स है, देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज हैं जो जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जो हमने सोच रखा है, जो जो लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं, जो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ सोसाइटी में सर्व करें उसके लिए। और मेरा अपना जो है, तो मैं इस सोशल वर्क में, आप लोगों को लग रहा होगा ये क्यों कर रही है सोशल वर्क, तो गाइस बात ये है कि मैं तो एक कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई थी, आई वॉज़ वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट एंड आई वर्कड ओवर देयर, एंड फिर उसके बाद फिर मैंने जो डिसाइड किया कि पैसा तो देखिए सब कमा ही लेंगे, और पर कुछ सोसाइटी के लिए भी काम किया जाए, कुछ सोसाइटी के लिए सर्व किया जाए, और आप लोग को जैसा कि पता है वो एनजीओस कुछ पे नहीं करती हैं, जस्ट आपको उसमें सर्व करना है, अपना टाइम पूरा उनको देना है, पूरा क्या, आप जितना टाइम उनको दे सकते हैं आप टाइम दीजिए, कुछ अगर आप सोसाइटी के लिए मैं कर सकती हूँ तो मैंने ये सोचा कि मैं ज़रूर करूँगी सोसाइटी के लिए। और अभी हमारी नेक्स्ट प्रोग्राम एक चालू होने वाला है जो हम लोगों ने बच्चों के लिए रखा है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, और वीडियो बना करके मैं उसमें आप लोग को बताऊँगी, अगर आप लोग मुंबई या नवी मुंबई में रहते हैं तो आपके बच्चे भी वो आकर के वो प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, एक दिन का प्रोग्राम है, फ़ीस हमने बहुत कम रखी है, फ़ीस अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको फ़ीस बता दूंगी कि उसकी फ़ीस कितनी है और आपने कैसे देनी है, कहाँ देनी है, ये भी मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। प्लस जो मेरा जो लेक्चर है, जो मेरा सेशन है, वो अभी इस मंथ के एंड में है प्रोबेबली, साइबर सिक्योरिटी पे मैं देने वाली हूँ लेक्चर, सेशन मेरा है
जिसमें मैं लेडीज़ को जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको मैं बताऊंगी व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, और इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन तो नहीं होगा बट हाँ एक मेरा एक सेशन होगा, उस सेशन की मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि मैं उसकी भी क्लिप डालूं। मई में हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं होगा, मई में तो नहीं है कोई भी प्रोग्राम, हम लोग ने छुट्टियाँ डिसाइड करी हैं कि बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती हैं कि थोड़ा छुट्टियों में हम लोग भी रिलैक्स करेंगे। और जून में जो मेरा एक सेशन और वहाँ होने वाला है, जो सेशन होगा गाइज मेडिकल इंश्योरेंस पे, मेडिकल इंश्योरेंस की अवेयरनेस के बारे में मैं लोगों को बताऊंगी। और लोगों को मेरे सेशन में लोगों को क्या मैं बोलूँ, मेरे इस सेशन में वुमेन ये ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वुमेन से जुड़ी हुई है, महिलाओं से जुड़े हुई ऑर्गेनाइजेशन है जिनके इसके लिए हम काम करते हैं ये एनजीओ में। तो इसमें ये मेरा जो फोकस होगा, मेरा जो जून वाला सेशन होगा उसमें मैं मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करने वाली हूँ, और एवरी मंथ मेरा सेशन होगा वहाँ पर, जितना मैं टाइम दे पाऊँगी, जितना मैं वहाँ पर लोगों को समझा पाऊँगी वो मैं समझाऊँगी, और उसका भी मैं आप लोगों को एक क्लिप या एक वीडियो छोटा सा डाल करके इस अपने ब्लॉग्स में ज़रूर बताऊँगी। वो जो मेरा सेशन होगा मेडिकल इंश्योरेंस का उसकी भी मैं एक आध क्लिप आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और कोशिश करूँगी कि जो अवेयरनेस मैं वहाँ पर दे रही हूँ लेडीज़ को, वो इस चैनल से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो महिलाएं इस चैनल से जुड़ी हुई हूँ उनको भी ये अवेयरनेस मिल जाए, और जो भी लेडीज़ ये प्रोग्राम देख रही हैं अगर वो कोई कोर्सेस करना चाहती हैं या इसमें आकर के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं और तो उसके लिए दे आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको गाइड भी कर दूंगी कि कैसे आप लोग ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और इन कोर्सेज का बहुत ही नॉमिनल फीस में कैसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तब तक के लिए गाइज अब मैं बाय बाय, और अब मैं इस ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, मैं भी बहुत टायर्ड हो गई हूँ, सुबह से मैं निकली हुई थी, तो अब मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। जो भी लोग मेरे इस चैनल में जुड़े हुए हैं उनको मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग अगर चाहें तो मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और लोगों में आप इस अवेयरनेस को, जो भी अवेयरनेस मैं इसमें आपको दे रही हूँ वो आप अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में आप भेज सकते हैं, उनको आप सेंड कर सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं। तो गाइज आज के इस व्लॉग में इतना ही, उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर चाहें तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इट्स ऑल योर विश। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, और मिलते हैं अपने एक नए व्लॉग में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नए विज़न के साथ, जो कि मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल से जो भी जुड़े हुए मेरे सब्सक्राइबर हैं, जुड़े हुए जो लोग हैं, वो प्लीज़ आप सब लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशी को आप स्प्रेड करिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू ऑल।